आइए हम आए हुए हैं कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जो विधानसभा करता है वहाँ ग्राम पंचायत बड़ौड़ा है जो आपको एक जोरा ग्राम पड़ता है। वार्ड नंबर 12 से एक युवा प्रत्याशी है अमित कुमार जी जो वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के युग में पैसे के युग में आप वार्ड सदस्य के रूप में एक चुनौती के रूप में लड़ना चाह रहे हैं तो किस रूप में लड़िएगा? मैं सबसे पहले BRG TV जनता की आवाज़ को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि आप लोग मेरे यहाँ चल कर के उपस्थित हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं अनित कुमार ग्राम पंचायत बड़ौरा वार्ड नंबर 12 से वार्ड प्रत्याशी अनित कुमार। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव मैदान में बहुत सारे लोग उतरे हैं तो हम भी इस मैदान में उतरे हैं इस मकसद से कि हमारे ग्राम में बहुत लोग पहले से वार्ड रहे हैं, मुखिया रहे हैं, बहुत लोग रह चुके हैं, लेकिन जो भी समस्याएं हैं वो समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो मैं यह प्रयास करना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे ग्राम जुड़ार हो या पंचायत बड़ौरा हो तो मेरा प्रयास रहेगा कि ताकि दोनों ग्राम जुड़ार से लेकर पंचायत बड़ौरा तक मैं जीतूँगा तो अपना कार्य मतलब करूँगा। जो भी सरकार की योजनाएँ चल रही है मेरा प्रयास रहेगा कि उन जैसे कि जितना वृद्ध महिला व्यक्ति जो भी विकलांग व्यक्ति हैं जिनको लाभ के लायक हैं उनको मैं प्रयास करूंगा कि उन तक 100% पहुँचे। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नेता जनप्रतिनिधि इधर से उधर टांग लड़ा रहे हैं तो उससे हमको कोई एलर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम एक बार ही बराबर कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे गांव के लोग हैं जैसे विधवा महिला हो गई, वृद्ध महिला हो गई, विकलांग व्यक्ति हो गए, जैसे कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग हो गए हैं तो मैं उन लोगों के लिए जैसे कि 60 वर्ष के ऊपर हैं तो उनको हम विधवा पेंशन फार्म भरवा करके कम से कम सरकार की योजना जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन की व्यवस्था चल रही है ताकि उन लोगों को मिल सके, ताकि उन लोगों के परिवार में गरीबी में रोजी रोटी के लिए कुछ सरकार की योजना से लाभ मिल सके। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पक्ष में जो भी कुछ भी हो रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं, तो हम ये नहीं है कि जो भी कुछ बोले हम भी उसके विपक्ष बोलने लगे करने लगे। मेरा मतलब है कि मैं जिस लिए लड़ रहा हूँ, जिस मकसद से लड़ रहा हूँ, उस तरह से मैं एक चुनाव जीतूँ और ताकि मैं जनता की आवाज़ को सुनूँ और मैं उन लोगों के लिए खरा उतरूँ। मैं अनित कुमार अपने समस्त ग्रामवासी जुड़ाव की जनता को बता देना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि पहले का डेट में हमारे ही घर में लोग बहुत पहले से जो कि अनपढ़ गवार व्यक्ति रहते थे जो कि वो लोग भी चुनाव जीते हैं, मेरे घर में भी पहले से चुनाव जीते हैं, ताकि वो लोग के लिए आज का डेट जो है पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, कि जो भी समस्या है उसको समझने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। क्योंकि मेरा पढ़ाई का पीरियड है, मैं पढ़ाई के पीरियड में भी देख रहा हूँ कि हमारे गांव में गरीब व्यक्ति बहुत हैं, जो गरीब हैं उनको गरीबी की मार से ही मारा जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उनका आवाज़ उठाने के लिए मैं एक कदम लड़ूँ। मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसलिए शिक्षित हूँ। सवाल के जवाब दीजिए हमारे कि आप वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं जी, जबकि वार्ड के 12 की महिला पुरुष सड़कों पर शौचालय करते हुए जाते हैं जी, तो क्या प्रतिनिधि बनेगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था करिएगा? मैं सबसे पहले उन महिला और व्यक्ति के लिए जो मतलब शौचालय शौच कर रहे हैं रोड पर, तो जब मैं वार्ड मेंबर बनूंगा तो सबसे पहले मैं अपने उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधि से बात करके सबके घर घर में जो कि पहले से शौचालय बना है लेकिन कुछ लोग के घर में नहीं भी बना है, तो मैं इसके लिए अपने उच्च अधिकारी से बात करके उनके घर घर में एक भी घर न छूटे ताकि शौचालय में बनवाऊँ। शौचालय में जाने के लिए एक बाल्टी पानी पहले लगता है, एक बाल्टी बाद में लगता है, शौचालय बनवा क्या करिएगा जब पानी नहीं होगा तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, रणनीति बनाए? मैं ये भी रणनीति मेरा ये भी रहेगा कि जो शौचालय बनेगा तो बिना पानी का तो शौचालय रहेगा नहीं, तो मेरा ये भी रहेगा कि जो भी नल जल योजना सरकारी योजना चल रही है अगर उन घर तक जिनके पास शौचालय बन रहा है या जो भी कार्य चल रहा है अगर उनके पास पानी की व्यवस्था ना हो तो मैं नल जल योजना के अधिकारियों से बात करके अपने गाँव में अगर मेरे गाँव में है
चल रहा है नहीं चल रहा है उसका भी जो समाधान है मैं उसके लिए भी समाधान उसको करूँगा ताकि दोनों का व्यवस्था चल सके। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से अपना मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बार एक अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे आप विजयी बनावें, इसके बाद आपके सेवा में 24 घंटा उपस्थित रहूँगा। आज आपके बीच में अमित कुमार, युवा समाज सेवी ने यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी के समक्ष विवाद तरीके से अपनी बातों को रखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।